मिस यूनिवर्स 2019 की घोषणा के बाद शनिवार रात को मिस वर्ल्ड 2019 का ऐलान हो गया। लंदन में आयोजित हुए इस समारोह में जमैका की टोनी एन सिंक ने जीत का खिताब अपने नाम किया। फ्रांस की ओफिली मोजिनो फर्स्ट रनर अप रही, जबकि भारत की सुमन राव को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। 23 साल की टोनी एन सिंक ने 120 देशों की कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। वो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हैं। इसके अलावा उन्हें सिंगिंग भी बहुत पसंद है। वहीं भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सुमन राव तीसरे स्थान पर रहीं। सुमन ने मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का ताज अपने नाम किया है। सुमन राव का जन्म उदयपुर राजस्थान के पास औदना गाँव में हुआ था। फिलहाल वो मुंबई विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी का कोर्स कर रही हैं। इसके साथ ही सुमन एक प्रशिक्षित कथक डांसर भी हैं। 2018 में सुमन राव ने मिस नवी मुंबई प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां वो फर्स्ट रनर अप रही। इसके बाद उन्होंने फेमिना मिस राजस्थान 2019 के खिताब के लिए ऑडिशन दिया था, जो उन्होंने जीत लिया था। 69वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के टॉप 5 में जगह बनाने के बाद देश के कोने कोने से लोग सुमन राव को बधाइयां दे रहे हैं।